महू से गुरुवार को दोपहर 3 बजे विधायक और कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने तिरुपति धाम की यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक उषा ठाकुर ने सभी दर्शनार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग महिला पुरुषों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू की है, जिसका लाभ आप जैसे लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। विधायक ठाकुर ने कहा कि जो लोग तिरुपति धाम के दर्शन नहीं कर पा रहे थे और उनका जिंदगी में एक सपना था, वो सपना साकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से पूरा करवाया जा रहा है। गुरुवार को महू रेलवे स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन को विधायक उषा ठाकुर, जनपद पंचायत अध्यक्ष सरदार मालवीय, शैलेश गिरजे, महेश बागड़ी, कैंट बोर्ड के पूर्व नामांकित सदस्य शिव शर्मा ने रवाना किया। जनपद अध्यक्ष मालवीय ने बताया कि महू शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से 130 दर्शनार्थियों को रवाना किया। यह यात्रा 5 दिन में पूरा कर वापस लौटेगी। इंदौर जिले से 450 लोग हैं करीब और 130 महू तहसील के हैं, उसमें महू से तिरुपति धाम के लिए पूरे 5 दिवसीय यात्रा है जो मध्य प्रदेश शासन की बाह्यम योजना है और योजना के तहत सारे लोगों को तीर्थ दर्शन कराए जा रहे हैं। हाँ, इसके पहले भी गए थे और आगे भी और भी ट्रेनें हैं, अभी यहाँ रामेश्वरम वगैरह भी जाना है। इस मध्य प्रदेश की तीर्थ दर्शन योजना के तहत पूरे क्षेत्र में भ्रमण का यह दौरा कार्यक्रम चालू किया है। सरदार मालवी, जनपद अध्यक्ष महू। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट।